288वां अध्याय युद्ध यात्रा के संबंध में विचार। पुष्कर कहते हैं, जब राजा ये समझ ले कि किसी बलवान अक्रंद राजा के द्वारा मेरा पाणि प्राचीन ग्रह राजा पराजित कर दिया गया है, तो वह सेना को युद्ध के लिए यात्रा करने की आज्ञा दे। पहले वो इस बात को समझ ले कि मेरे सैनिक खूब हुष्ट पुष्ट हैं, मृत्यु का भलीभांति भरण पोषण हुआ है, मेरे पास अधिक सेना मौजूद है तथा मैं मूल की रक्षा करने में संपूर्ण समर्थ हूँ। इसके बाद सैनिकों के से घेर कर शिविर में जाए। जिस समय शत्रु पर कोई संकट पड़ा हो, देवी और मानुषी आदि बाधाओं से उसका नगर पीड़ित हो, तब युद्ध के लिए यात्रा करनी चाहिए। जिस दिशा में भूकंप आया हो, जिसे केतु ने अपने प्रभाव से दूषित किया हो, उसी ओर आक्रमण करे। जब सेना में शत्रु को नष्ट करने का उत्साह हो, योद्धाओं के मन में विपक्षियों के प्रति क्रोध का भाव प्रकट हुआ हो, शुभ सूचक अंग फड़क रहे हो, अच्छे स्वप्न दिखाई देते हो तथा उत्तम निमित्त और शकुन हो रहे हो, तब शत्रु के नगर पर चढ़ाई करनी चाहिए। यदि वर्षा काल में यात्रा करनी हो, तो जिसमें पैदल और हाथियों की संख्या अधिक हो, ऐसी सेना को कुछ करने की आज्ञा दे। हेमंत और शिशिर ऋतु में ऐसी सेना ले जाए जिसमें रथ और घोड़े की संख्या अधिक हो। वसंत और शरद के आरंभ में चतुरंगणी सेना को युद्ध के लिए नियुक्त करें, जिसमें पैदलों की संख्या अधिक हो, वही सेना सदा शत्रुओं पर विजय पाती है। यदि शरीर के दाहिने भाग में कोई अंग फड़क रहा हो, तो उत्तम है। बाएं अंग, पीठ तथा हृदय का फड़कना अच्छा नहीं है। इस प्रकार शरीर के चिन्हों, फोड़े, फुसियों तथा फड़कने आदि के शुभ फलों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। स्त्रियों के लिए इसके विपरीत फल बताया गया है, उसके बाएं अंग का फड़कना शुभ होता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में युद्ध यात्रा का वर्णन नामक 288वां अध्याय पूरा हुआ।